ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये जनरली नीट वाले बच्चे डाउट में लेके आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अगर तुम देखो कि एक पार्टिकल मूव करता कर्व पे, एक्स वाई जेड अगर कोई कर्व है, लेकिन वो थ्री डायमेंशनल कर्व है, याद रखना, एक्स और वाई और ये जेड, जेड एक्सिस में चल रहा पार्टिकल, एक्स वाई जेड में चल रहा, एक्स वाई और जेड, तो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सलेशन। ध्यान रखना ये इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये हम टेंजेंशियल एक्सलेशन और नेट एक्सलेशन निकालना सीख सकते हैं इससे, जब टाइम वन होगा। तो जब कभी भी कोई भी पार्टिकल चलता है, सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालते कैसे हैं ये चीज़। तो सबसे पहले एक्सलेशन तो निकालो। तो अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी है, ठीक है, तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। तो डी एक्स ओवर डी टी मतलब इसको डेरिवेटिव करोगे तो वन आ जाएगा। अगर वेक्टर में लिखोगे वेलोसिटी वेक्टर, तो ये आ जाएगा आई कैप, ठीक है ना। उसी तरह से जो वाई है, दैट इज टी स्क्वायर बाई टू है, तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस में जब इसका डेरिवेटिव लोगे डी वाई ओवर डी टी, तो ये आ जाएगा वन बाई टू और टू और यहाँ से टी, मतलब ये आ जाएगा टी। वेक्टर में लिखोगे इसमें तो वेलोसिटी जो वेक्टर है वो टी जे कैप आ रहा है, ठीक है ना। और उसी तरह से जो जेड एक्सिस में जो है, तो वेलोसिटी जो जेड एक्सिस है वो कितना है, टी की पावर क्यू है, तो यहाँ से टी की पावर क्यू है और डिवाइडेड बाई थ्री है। तो जो वेलोसिटी है जेड एक्सिस में, उसकी जो वैल्यू है वो डी जेड अपन डी टी है। इसका मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव लोगे तो वन बाई थ्री, और ये थ्री टाइम्स टी का स्क्वायर, मतलब यह आ जाएगा टी स्क्वायर। मतलब अगर वेलोसिटी जेड एक्सिस में वेक्टर में लिखोगे तो यहाँ से टी स्क्वायर के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी है, अब हमें नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी इस स्पेस में कुल कितना होगा उसको हम देखते हैं। तो नेट वेलोसिटी अगर तुम देखोगे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ बच्चों। तो यहाँ से थोड़ा सा नेट वेलोसिटी तुम देखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो मैं इन तीनों का रिजल्टेंट ले लेता हूँ वेक्टर में। तो नेट वेलोसिटी जो मुझे दिखेगी वी नेट, वो वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर प्लस यहाँ से वी जेड वेक्टर के सम के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप, दैट इज नेट वेलोसिटी वी। तो अब यहाँ से ध्यान देना है, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे, अगर हाँ तो अगर टोटल टोटल एक्सलेशन चाहते हो, टोटल एक्सलेशन, ठीक ना, टोटल एक्सलेशन मतलब नेट एक्सलेशन चाहते हो, नेट एक्सलेशन, तो वेक्टर फॉर्म में इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो नेट एक्सलेशन का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, और वहाँ से उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो नेट एक्सलेशन आ जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें चाहिए टेंजेंशियल एक्सलेशन। टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालने का तरीका है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जो होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, टेंजेंशियल एक्सलेशन जो टेंजेंट के अलोंग लग रहा, तो स्पीड का डेरिवेटिव, ठीक है, डी वी ओवर डी टी स्पीड का डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सलेशन। ये बात हमें याद रखना है, ठीक है ना। ये मैं इसका मतलब पहले मैं इसका वेलोसिटी का स्पीड निकालूंगा, तो स्पीड मतलब वी मॉड वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, वन प्लस टी का स्क्वायर और टी की पावर फोर अंडर रूट, दिस इज द स्पीड। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तब मुझे टेंजेंशियल एक्सलेशन आएगा। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन ए टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, डी वी ओवर डी टी, और इसका स्पीड का डेरिवेटिव मतलब वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर फोर अंडर रूट का डेरिवेटिव। आई होप कि इसका डेरिवेटिव सब लोग कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, रूट, रूट का डेरिवेटिव कितना होगा, तो वन बाई टू, और वन बाई टू इसमें वन बाई टू में कमी आ जाएगा, वन प्लस, एक बार और लिख देता हूँ, टी स्क्वायर टी की पावर फोर की पावर वन बाई टू माइनस वन। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव करूँगा, चेन रूल लगेगा, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर फोर ये बनेगा। तो जब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो जो टेंजेंशियल एक्सलेशन दिखेगा जो फंक्शन ऑफ टाइम, वन बाई टू और यहाँ से वन बाई टू माइनस वन, तो रूट निगेटिव आ गया, तो वन प्लस यहाँ से टी स्क्वायर टी की पावर फोर अंडर रूट यहाँ, और इसका डेरिवेटिव अंदर के जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब जीरो प्लस यहाँ से टू टी प्लस यहाँ से फोर टी की पावर थ्री, तो यहाँ से टू टी टू कॉमन हो गया, तो जो ए टी की वैल्यू ये टू खत्म हो गया, तो यहाँ टू, यहाँ जो बचा वो बचा टी प्लस
टी प्लस यहाँ से 2t की पावर 3, और डिवाइड कर दूँ यहाँ से 1 प्लस यहाँ से टी स्क्वायर और t की पावर 4 अंडर रूट। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो ये हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था एक खास टाइम पर। वो समय कितना था यहाँ पे दिया हुआ था, वो समय 1 था। तो अगर समय 1 था उस वक्त टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना था, तो इसमें टाइम की वैल्यू 1 रख दो, तो t = 1 सेकेंड, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगा उस वक्त टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना होगा, तो 1 + 2 की और 1 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर + 1 की पावर 4 और अंडर रूट। कुल मिला के टेंजेंशियल एक्सलेशन ए टी की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 3, और डिवाइडेड बाय नीचे 1 का स्क्वायर यहाँ से √3। √3 का मतलब √3 रेशनलाइज कर दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सलेशन दिखेगा। मतलब ये अपना जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ से बी ऑप्शन सही है। इससे हम ये सीखे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं और टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।